तो उपस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों हम सबके अपने YouTube चैनल जॉब हम सफर में, और आज फिर से हम नए एक वीडियो में उपस्थित हैं। और आज हम बात करेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। तो जैसा कि आप हमने देख रहे हैं कि हमने बोर्ड पर लिख दिया है, ये सभी चीज़ों को लिख दिया है कि टाइम का, अभी सबको टाइम का अभाव होता है जिस वजह से हमने इसको लिख दिया, और जल्दी जल्दी से इसको समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। और अगर आप वीडियो देखना शुरू कर ही दिए हैं तो पूरा देख कर जाइएगा, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, तो इसलिए थोड़ा ज्ञान लेकर जाइएगा। तो आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए मिट्टी, अंग्रेजी में इसको सॉल बोलते हैं, सॉल। ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। ऐसे मुख्य रूप से 4 प्रकार के मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब मिट्टियाँ पाई जाती है तो इसके बारे में हमको जानने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर हम मिट्टियों को जान रहे हैं तो इसका क्या अनुसंधान है, क्या क्या क्वालिटी है, कहाँ पाई जाती है, क्या क्या इसमें फसल लगाए जाते हैं, कौन कौन से राज्य में कितना है, उसका भारत में कितना प्रतिशत है, सबको जानना पड़ता है। तो इसमें हम देखिए बोर्ड पर लिख दिए हैं मुख्य रूप से मिट्टियों का 4 प्रकार है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी और चौथा लेटराइट मिट्टी। तो इसमें देखिए कि जलोढ़ मिट्टी को एल्यूवियल सोइल्स कहते हैं अंग्रेजी में, ALLUVA, सॉरी VIAL सोइल्स। अब देखिए SOILs, इसमें देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यह पूरे भारत में 22% भागों में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी कही जाती है। ऐसे ये मिट्टियाँ गंगा के किनारे वाले भाग, उत्तरी भारत जो होते हैं वो सभी क्षेत्रों में ये अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और सबसे अधिक उपजाऊ भी होती है। तो इसको, इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या है। पहले तो देखिए जलोढ़ मिट्टी है, यह लगभग 22% भाग में पाया जाता है। यह मिट्टी जो है नदियों के अपरदन के कारण बनता है, नदियों के अपरदन के कारण ये मिट्टियों का निर्माण होता है। और इसमें भी दो क्वालिटी का मिट्टी होता है, हम एक लिख दिया बांगर मिट्टी, दूसरा खादर मिट्टी। अब बांगर मिट्टी किसको कहते हैं? बांगर मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जिसकी, जो कि नदियों के द्वारा कुछ समय या कुछ सालों पहले, यानी पुरानी मिट्टी को लाया जाता है और उसे हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। और खादर मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जो तुरंत तुरंत, जैसे अभी बाढ़ आया हो और पानी सूखा हो, उसके बाद की जो मिट्टी होती है ताजी मिट्टी या फिर तुरंत की मिट्टी, उसको हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। बांगर सीमेंट सुने होंगे, तो वही है ये बांगर मिट्टी, मतलब सीमेंट अलग है, ये बांगर मिट्टी उसी के नाम पर पड़ा हुआ है। तो ये जलोढ़ मिट्टी होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला है। तो ये सभी मुख्य बात था जलोढ़ मिट्टी का, आप देख लिए जो हमको इम्पोर्टेंट लगा, और इसमें ये लिखे हुए हैं इसमें मुख्य रूप से धान, आलू, गेहूं, मक्का इत्यादि उगाई जाती है या इसमें पाई जाती है सबसे अधिक, मैंने ये उत्तर भारत का होता है, अक्सर बिहार या यूपी का क्षेत्र को माना जाता है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, काली मिट्टी, काली मिट्टी को ब्लैक सोइल्स कहते हैं, और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। भागिएगा नहीं, पूरा देख के जाइएगा, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना होता है। और काला रंग इसका किसके कारण होता है? तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका काला रंग होता है काली मिट्टी का, तो क्या कारण है? तो काला रंग होने का कारण है टिटेनिफेरस मेनाजाइट, टिटेनिफेरस मेनाजाइट। इसको याद रखने के लिए दो को बीमारी का नाम रखिएगा, एगो टिटनेस, एगो मेनजाइटिस। मेनजाइटिस जो सिर में हो जाता है मेंजोनाइनिन की कमी से, या मेनजाइटिस की कमी से, सॉरी, रंगून, रंगून कहते हैं, सॉरी रेंगू, रेगुर, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, अर्थात काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं कि पूरे कपास की खेती के लिए 100% काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, और सबसे अधिक कपास महाराष्ट्र में, गुजरात में जगहों पे पाई जाती है।
तो इसमें समझ गए, इसे मुख्य रूप से इसमें ज्वार, बाजरा, कपास इत्यादि का मैंने खेती की जा सकती है, और यह प्राय गुजरात, महाराष्ट्र देखिए लिखे हुए हैं इत्यादि में। अब इसके बाद आ जाए लाल मिट्टी, रेड सोइल्स। लाल मिट्टी में देखिएगा तो यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, यह अम्लीय मृदा है, यह अम्लीय मृदा यानी एसिड टाइप का यह मिट्टी होता है। इसको यह उतना उपयोगी नहीं होता, लेकिन अगर इसको उपयोगी बनाना है तो इसको क्या करना, इसमें चूना मिला दीजिएगा, उस खेत में चूना का छिड़काव कर दिया या चूना उसमें मिला दिया जाए तो बहुत ही उपयोगी होता है। और इसमें सिल्का और आयरन की अधिकता पाई जाती है, सिल्का प्लस आयरन, याद रखिएगा सिल्का और आयरन, सिल्का और आयरन। यह कायांत्रित चट्टानों को टूटने से बनता है। काली मिट्टी थी बेसाल्ट चट्टान, तो इसको याद रखिएगा, काबे, का से काली, अबे से बेसाल्ट, इसको याद रखिएगा। तो काबे माने काली मिट्टी किससे बना हुआ है, तो काबे काल का मतलब हो गया का से हो गया, यहाँ पे देखिए कायांत्री चट्टान, अल से हो गया लाल, या काला भी कह सकते हैं, काबे काला या काबे कलुआ नहीं कहते हैं, तो याद रख सकते हैं इसको। तो ये बना है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, ये बना हुआ है कायांत्री चट्टानों के टूटने से, तो इसका भी उपयोग देख लिया। अब हम लोग चलते हैं लेटराइट मिट्टी का, इसको लेटराइट सोइल्स भी कहते हैं। यह मिट्टी मानसून पर निर्भर करती है, यह मिट्टी जो है मानसून पर इसलिए निर्भर करती है कि मान लीजिए कि कहीं पर सुखाड़ आ गया तो मिट्टी खराब हो जाएगा, कहीं पे बाढ़ आ गया तो वे सभी जब मिट्टी मिक्स हो जाते हैं आर्द्र वर्षा के कारण, या निर्माण, यह इस मिट्टी का निर्माण होता है, यह उजला होता है। उजला होता है तो किसके कारण होता है, तो केओसिन के कारण यह सफेद होता है। और यह मिट्टी जो है चाय के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाती है, यह मानी जाती है बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। तो ये कुछ चार प्रकार की मिट्टियों के बारे में हमने जाना, ऐसे मुख्य रूप से आठ प्रकार की मिट्टियाँ, इसी चार प्रकार की मिट्टियों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आठों प्रकार की मिट्टी को जानने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट था उसके बारे में हमने बताया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कजरी, अक्सर देखते होंगे वर्षा में मिट्टी पर ना कजली हरा कलर का बोल जाता है, तो उसको कजरी बोलते हैं, हमारे गांव घर में कजरी, कजली बोला जाता है, ऐसे कजरी होता है। तो देखिए CAZRI, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है मिट्टी के बारे में जानकारी के लिए, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। तो कजरी की स्थापना, या इसका फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल एरिड जोन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें है, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्य कारण था कि राजस्थान में जो मरुस्थलों की वृद्धि हो रही थी या मिट्टियों का गिरावट आ रहा था, अपरदन बहुत हो रहा था, इस वजह से 1953 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान में इसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की। तो इसी के साथ हमारा वीडियो लास्ट होता है, और फिर से उपस्थित होंगे हम नए वीडियो में। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों को ये बताएं कि इस जॉब हम सफर चैनल पर अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है, और कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर एक साथ पढ़ें और अपने माता पिता का भविष्य, या फिर अपना भविष्य, या माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करें। तो थैंक यू।